नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। दलितों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाली भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन समाज बहुजन क्रांति मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की मंडल स्तरीय विशाल महारैली का आगामी 19 दिसंबर को सगड़ी तहसील अंतर्गत जैरपुर क्षेत्र के नाथोपुर ग्राम में स्थित शहीद राम स्वरूप यादव स्मारक स्थल पर आयोजन होना है। इस बात की जानकारी देते हुए बहुजन मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महासचिव लाल बहादुर त्यागी ने मीडिया को बताया कि 19 दिसंबर को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के मंडल स्तरीय महारैली का आयोजन होना है, जिसमें विभिन्न पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वहीं से 2022 के चुनाव की रणनीति भी बनाई जाएगी। पूरा परिचय, मैं लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। कैसा कार्यक्रम आपका 19 तारीख को आयोजित होगा? 19 दिसंबर को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की मंडल स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कई राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आ रहे हैं। क्या है मामला, पूरा बताइए, उद्देश्य? मामला यह है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का नाम रखने का मतलब है कि कम से कम 25 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ये जो है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया गया है। और बड़े पैमाने पर हम आने वाले 2022 के चुनाव में भाजपा के विरोध में हम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने वाले हैं। तो क्या कहना चाहते हैं लोगों से? हमें कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंडल स्तरीय रैली में जो अजान सहित राम समुज स्मारक पार्क है, जो सगड़ी विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। और परिवर्तन मोर्चा जो है कि हमारे 90% जो बहुजन समाज के मूल निवासी समाज के जो वंचित हैं, उनको संख्या के अनुपात में हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं। और शिक्षा के निजीकरण को रोक करके सरकारी संस्था में अपने भारत के मूल निवासियों को वहाँ एंट्री दिलवा करके उच्च से उच्च शिक्षा देना चाहते हैं। आप पूरे मंडल स्तर के आजमगढ़, बलिया, मऊ के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर करके अजान सहित राम समुज स्मारक पार्क में आकर के रैली को सफल बनाएं।